अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक सर्जरी की गई है। आपको बता दें कि नईगढ़ी थाना में पदस्थ रही महिला थाना प्रभारी मिथिलेश यादव का स्थानांतरण सिविल लाइन थाना के लिए कर दिया गया है। वहीं नईगढ़ी थाना के तेज तर्रार जगदीश सिंह ठाकुर को नईगढ़ी थाने की कमान सौंपी गई है, जिसको लेकर नवपदस्थ थाना प्रभारी नईगढ़ी जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा नईगढ़ी थाना की कमान संभालते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नईगढ़ी क्षेत्र की जनता एवं पुलिस स्टाफ के सहयोग से नियमों कानूनों का पालन करते हुए अवैध रूप से संचालित मादक पदार्थों सहित आपराधिक मामले में लगाम लगाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश भर में चलाए जा रहे अवैध नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही भी की जा रही है, जहां थाना प्रभारी के द्वारा अवैध नशे के खिलाफ एवं बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। सर, आप नईगढ़ी थाने के नया प्रभार लिया है और जो अवैध कारोबार है यहां पर संचालित हैं, चल रहे हैं, उसमें आपका क्या उद्देश्य, क्या करेंगे सर? जी हाँ, देखिए, आज तो मैंने जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आज आपके नईगढ़ी थाना में आया हूँ, और आने के पहले जो है मेरी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यहाँ की जो पब्लिक को जो है मेरा उनसे कैसे जुड़ाव हो और पब्लिक के लिए मैं क्या जो है ऐसा कर सकूँ जिससे वो मेरी कार्रवाई संतुष्ट हो। यहाँ के अपराध में लगाम लगाने के लिए आप लोगों से, यहाँ की पब्लिक से सुझाव मांगूँगा और चाहूँगा कि वो सुझाव मेरे पास आए, जिस कारण मैं उसमें कार्य कर सकूँ, और उसके लिए मैं अपना जो स्टाफ है उसको साथ में लेके कार्य करने का पूरा प्रयास करूँगा। आप नईगढ़ी की जनता से क्या सही मतलब कैसा सहयोग चाहते हैं, किस तरह, जिस तरह? बस मेरा वही है, एक मेरी बहुत ही सिंपल कार्रवाई है कि मैं जहाँ जाता हूँ तो लोगों से मिलके और वहाँ के बारे में जानना पसंद करता हूँ कि किस चीज़ से लोग व्यथित हैं, किस चीज़ से लोग परेशान हैं, और उसके निराकरण के लिए जो है सहयोग रहेगा कि अगर आप अपराध किस तरह का रोक, किस तरीके से रोकना चाहते हैं, जैसा मेरे को पब्लिक सपोर्ट करेगी मैं उनके जो है कार्रवाई में सपोर्ट करेंगी, और जो मदद मेरे से बनेगी करने के लिए मैं उसमें कोशिश करूँगा कि अपने आप को सहायता करने के लिए व्यवस्थित कर सकूँ। धन्यवाद। दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।